अगर भाई आपको भी कंफ्यूजन हो रही है कि भाई फ्री फायर पीसी में खेलना है लेकिन भाई कौन सा एमुलेटर हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो भाई आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा एमुलेटर वो फ्री फायर के लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं तीनों को। एंड वीडियो में बने रहना एंड चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड वीडियो देखने के बाद अब अगर कोई भी सवाल उठता है तो नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वॉलपेपर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में बताना। एंड तीन एमुलेटर को हम टेस्ट करने वाले हैं, एक ब्लू स्टेक्स 5 मेमो एंड एलडी प्लेयर। तो अभी मैं आपको तीनों की एमुलेटर सेटिंग्स दिखाऊंगा, बाद में फ्री फायर की सेटिंग्स दिखाऊंगा एंड एक छोटा सा गेम प्ले कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले आप एमुलेटर्स की सेटिंग्स देख लो। तो सभी एमुलेटर की सेटिंग्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, क्योंकि ये कैमरे में इतनी विजिबल थी नहीं तो मैंने सभी के स्क्रीनशॉट डाल दिए। तो सभी में हमने सेम सेटिंग्स रखी है, 4 कोर का CPU सिलेक्ट करा है, 4 GB रैम रखी है एंड हाई परफॉर्मेंस मोड पे रखा है। एंड जो ग्राफिक रेंडर टाइप है वो हमने सभी में OpenGL रखी है। तो ये सभी एमुलेटर की सेटिंग हुई। अभी हम फ्री फायर की सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो फ्री फायर की सेटिंग्स ये रही आपकी स्क्रीन पे। तो भाई फ्री फायर की सेटिंग की बात करें तो वो रखी है हमने अल्ट्रा हाई, मतलब सभी अल्ट्रा पे ही है, बस एक शेडो है वो ऑफ रखा है एंड फिल्टर है वो ब्राइट पे रखा है। एंड सभी एमुलेटर में यही सेम सेटिंग्स पे मैं फ्री फायर खेलूंगा। एंड गेम प्ले कंपेरिजन ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
तो भाई कई लोगों ने गेम प्ले में नोटिस किया होगा कि जो एलडी प्लेयर वाला है उसमें भाई शेडो ऑन थी, तो भाई सॉरी उसके लिए। एंड भाई कंक्लूजन की बात करते हैं क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बनानी है हमको। भाई जो भाई सबसे पहले आता है वो भाई ब्लू स्टेक्स आता है भाई, प्रॉपर 60 FPS मिलते हैं उसमें मुझे। एंड कंट्रोल भी एकदम सही है भाई, ज़्यादा झंझट वाली है नहीं, एकदम ईजी है। तो भाई सबसे पहले ब्लू स्टेक्स, बाद में एलडी प्लेयर, क्योंकि भाई एलडी प्लेयर में मेरे को कभी कभी लैग आता था, आता तो है शायद, अभी मैं खेल नहीं रहा, अभी मैं ब्लू स्टेक्स में खेल रहा हूँ इसलिए। तो एलडी प्लेयर सेकंड नंबर पे एंड फर्स्ट मतलब थर्ड नंबर पे होगा मेमू। भाई मेमू के तो भाई मेरे को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है भाई। भाई जैसे भी अभी मेमू में खेल रहा हूँ, कंट्रोल भाई सही है, बाद में भाई बंद करो, बाद में स्टार्ट करो, कंट्रोल भाई बिगड़ जाते हैं भाई मेरे। ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ भी हो रहा है तो भाई कमेंट में बताना। तो ये मेमू में फेस करनी पड़ती है। एंड भाई विथ शेडो ऑफ 50 FPS मिल रहे हैं भाई मुझे, उसमें दोनों में मुझे को 60 FPS मिल रहे हैं, वो भी अल्ट्रा सेटिंग्स पे। भाई ये क्या बात हुई। तो भाई ब्लू स्टेक्स एंड एलडी प्लेयर मैं मत ट्राई करना, मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। एंड चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कोई भी सवाल हो या आपको मेरे से बात करनी हो तो भाई नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।